एक और शिवपुरी की बेटी ने शिवपुरी का नाम कराटे में रोशन किया है, तो वहीं छावनी हम्माल मोहल्ले में रहने वाली एक गरीब परिवार की बिटिया जो 5 साल की उम्र से कराटे खेल रही है। ग्वालियर में आयोजित मध्य प्रदेश स्टेट सब जूनियर कराटे प्रतियोगिता में शिवपुरी की बेटी ने 15 गोल्ड जीते हैं। शिवपुरी की बेटी शफक खान ग्वालियर में आयोजित सब जूनियर कराटे प्रतियोगिता में पूरे मेडल जीते हैं। हमारे जिले के एडिशनल एसपी आरआई भरत सिंह यादव, महिला थाना प्रभारी सूबेदार भानु प्रताप सिंह ने बच्ची को पुष्प गुच्छ प्रदान कर उज्जवल भविष्य की कामना की। और वहीं हम आपको बता दें, शफक खान के पिता शहीद खान शिवपुरी के एक कपड़े के शोरूम में कार्य करते हैं। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। तो आपने अभी क्या क्या प्रतियोगिता जीती है और क्या प्रतियोगिता में आपने गोल्ड मेडल हासिल करी है? अभी जब मैं 5 इयर्स की थी तब मेरी मम्मा ने मुझे डाला था कराटे की फील्ड में। अच्छा। हाँ, तो उसमें मैंने जब मैं पहले टूर्नामेंट इंदौर में खेलने गई थी तब मेरा 2 गोल्ड निकले थे मेरे, तो उसी में फिर मेरी मम्मी ने मुझे आगे और खेलने के लिए बोला। मैं अभी तक खेल रही हूँ, मेरे अभी तक गोल्ड ही आ रहे हैं। अच्छा, अभी अभी क्या एज हो गई आपकी? 14। अभी कौन सा आपने ये चैंपियनशिप आपने जीता है? अभी पिछले ही महीने मैं ग्वालियर गई थी जिसमें मैंने गोल्ड लिया। कौन सा क्या प्रोग्राम क्या था? प्रोग्राम था, क्या नाम क्या था, नाम क्या था टूर्नामेंट? काई एसोसिएशन से मैंने खेला था। तो इसमें क्या अभी प्रदेश स्तर के खिलाड़ी खेलते हैं कि जिले स्तर के खिलाड़ी खेलते हैं, किस स्तर के खिलाड़ी खेलते हैं? अभी मैं डिस्ट्रिक्ट ही गई थी। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप जिला स्तर के, बाद अभी आपका नेशनल भी खेला हुआ है? अच्छा, नेशनल भी। अभी आपका सिलेक्शन कहाँ दिल्ली में हुआ है, तो वो किस चीज़ में हुआ है आपका सिलेक्शन? काई एसोसिएशन की तरफ से मैं खेलूंगी। तो आप नेशनल खेलेंगी वहाँ पे कि जिले स्तर की तरफ से? नेशनल की तरफ। उसमें एज कैटेगरी क्या रहेगी? उसमें अंडर 18 बिलो 18 सब जूनियर कैटेगरी। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताएं कि आपको कैसे आपने शुरुआत करी और किन किस ने आपको प्रमोट किया और कैसे आप यहाँ तक पहुँची? स्टार्टिंग में जब मैं 5 इयर्स की थी तब मेरी मम्मा ने मुझे डाला था जो शिवपुरी क्लब में, उन्होंने मेरा एडमिशन कराया कि सेल्फ डिफेंस के लिए थोड़ा ठीक होगा। लेकिन जब फिर मैं टूर्नामेंट खेलने गई थी, फर्स्ट टूर्नामेंट मेरा इंदौर में रहा और मैंने पहले टूर्नामेंट में 2 गोल्ड मेडल निकाले, उसी से फिर मेरे जो कोच समीर खान है उन्होंने मुझे आगे और सिखाया और मैं अभी तक खेल रही हूँ टूर्नामेंट। तो आप अब अपने से जो छोटी लड़कियाँ हैं जो पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, और उनको कुछ संदेश अपनी तरफ से देना चाहती हैं? कराटे तो बहुत ही अच्छा फील्ड है और हर स्पोर्ट्स में, और आज के टाइम में तो स्पोर्ट्स बहुत ही आगे बढ़ रहा है, हर स्पोर्ट्स में कोई ना कोई आगे है। तो मैं भी यही बोलूँगी कि उन्होंने उन्हें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए कि वो भी ऐसे आगे बढ़े। सर, शिवपुरी की बेटी ने कराटे में नंबर 1 लाकर गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीतने से क्या कुछ कहना चाहिए? हमारे शिवपुरी का सौभाग्य है कि हमारी शहर की बेटी शफक खान ने कराटे में काफी गोल्ड मेडल जीते हैं। आज उनसे मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई कि हमारे शिवपुरी में भी ऐसे प्रतिभावान छात्र हैं जो हमारे शिवपुरी को पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में नाम रोशन कर रहे हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी बिटिया शिवपुरी के साथ साथ देश का नाम हमेशा रोशन करती रहे और नई नई ऊंचाइयों तक जाए, ये हमारी शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।